लगता है स्मार्टफोन ब्रांड्स को ज़्यादा है तो बेहतर है का जो मोटो है वो काफ़ी पसंद आ रहा है आजकल, क्योंकि हम बहुत सारे फ़ोन्स देख रहे हैं जो दो नहीं तीन नहीं चार कैमरास के साथ आ रहे हैं। और लेटेस्ट ब्रांड जो इस कंपटीशन में कूद गया है वो है मोटोला, जिसने ईवा 2019 के दौरान मोटोला वन जूम का अनाउंसमेंट किया। एंड मेरे हाथ में यही फ़ोन है, आप देख सकते हैं इस फ़ोन में चार कैमराज है, ये मैट्रिक्स लेआउट है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से अलाइंड है, कोई सर्कुलर एरे नहीं है, वर्टिकल एक साथ नहीं है या हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये काफ़ी गिव्स अ यूनिक कैरेक्टर टू द डिवाइस। एंड अनदर थिंग विच डिफ्रेंशिएट्स द मोटोला वन जूम इज दिस लोगो। यस, जो मोटोला का आइकॉनिक बैटमैन लोगो है उसमें इस बार आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिल रहा है, बट इट डबल्स अप एज अ नोटिफिकेशन LED। दैट मीन्स कि अगर आपको इसको टेबल पे रखे हुए हैं तो यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट कि आपको कोई मिस कॉल या मैसेजेस आए हैं, बिकॉज दिस गिव्स अ वेरी नाइस कैरेक्टरिस्टिक टू दिस डिवाइस। कैमरा स्पेसिफिकेशंस पे गौर करें तो आपको प्राइमरी 48 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है जो कि f1.7 अपर्चर के साथ आता है। देन ये वो कहते हैं 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर विच इज़ 117 डिग्रीज वाइड एंगल व्यू। यू गेट एन 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो शूटर जिसमें आपको OIS मिलेगा, क्योंकि आपको जूम के लिए स्टेबल शॉट्स चाहिए, एंड दिस ऑफर्स 3x ऑप्टिकल जूम। एंड देन लास्टली आपको 5 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट शूटर मिलेगा। ऑफकोर्स यू कैन सी डुअल LED फ्लैश है लो लाइट शॉट्स के लिए। तो चलिए एक बार कैमरा इंटरफेस पे भी निगाह डालते हैं। कैमरा इंटरफेस काफ़ी सिंपलिस्टिक है, अगर आपने मोटोरोला के डिवाइसेस को पहले यूज़ किया है तो यू कैन नोटिस ऑल दी ऑप्शंस। मेन आपका प्राइमरी कैमरा के लिए ये ऑप्शन है, सारे ऊपर आपको SDR फ्लैश टॉगल मिल रहा है। ऑफकोर्स यू कैन इनेबल द पोर्ट्रेट मोड, एंड पोर्ट्रेट मोड में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ब्लर इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो गेट ऑल दीज स्टूडियो लाइटिंग इफेक्ट्स जो कि आईफोन में भी हमें दिखने को मिलते हैं। बाकी मोड्स भी आपको यहाँ दिखेंगे। एंड ऑफकोर्स मेन मोड की बात करें तो आपको ये जो जूम दिख रहा है 1x 3x एंड ऑफकोर्स वाइड एंगल। अगर हम सामने की बात करें तो आपको 25 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल रहा है। सेल्फी शूटर सीम्स टू बी क्वाइट गुड, काफ़ी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं थोड़ा ये वार्मर टोन की तरफ कर रहा है, काफ़ी रेडिश कर रहा है मेरा चेहरा, और जबकि कोई ब्यूटी मोड इनेबल नहीं है। लेट मी जस्ट सी, ब्यूटी मोड ऑफ है, सब कुछ ऑफ है, एंड आप लाइट भी देख सकते हैं, मे बी दैट्स बिकॉज ऑफ यहाँ की लाइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऊपर रेड लाइटिंग है एंड दैट्स प्लेइंग अ रोल हेयर, बट वी विल डेफिनेटली टेस्ट इट आउट इन आउटडोर कंडीशंस की कितना अच्छा सेल्फी शूटर है एंड मोटोला वन जूम के चार कैमराज हैं। अदरवाइज हम बात करें तो मोटोला वन जूम एक अच्छा मिड रेंज स्मार्टफोन साबित हो सकता है, बिकॉज इसके इंटरनल्स में आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 चिपसेट विच इज़ क्वाइट कैपेबल, एंड उसको 4GB रैम के साथ पेयर किया गया है। स्टोरेज की बात करें तो यू गेट 128GB ऑफ स्टोरेज जो कि एक्सपेंडेबल है फर्दर विद द यूज ऑफ अ माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, लेकिन आपको हाइब्रिड स्लॉट मिलता है, दैट मीन्स यू वोंट बी एबल टू गेट डुअल सिम कैपेबिलिटीज विद दिस डिवाइस। एंड ये फ़ोन ज़्यादा हैवी नहीं है, अराउंड 190 ग्राम्स है, आप इजीली इसको एक हाथ से पकड़ सकते हैं, यूजेबिलिटी में भी कोई इशू नहीं लग रहा है, हालांकि अगर आपके हाथ छोटे हैं तो आपको कॉर्नर्स रीच करने में इशू होगा, बिकॉज इस फ़ोन में आपको मिलता है 6.4 इंच का फुल HD+ पैनल एंड ऊपर टियर ड्रॉप नॉच है और नीचे थोड़े से थिक बेजल्स हैं, मतलब इट कुड हैव बीन थिनर बट दैट्स पॉसिबली ऑल राइट। फ़ोन को पावर करती है 4000mAh बैटरी जो कि कंपनी का दावा है कि दो दिन तक चलेगी, तो मोटोला की ऑप्टिमाइजेशन ऑफकोर्स उसमें हेल्प करेंगी, एंड आपको इसमें रैपिड चार्ज सपोर्ट भी मिलता है कि आप 15 मिनट में चार्ज करें एंड 2 घंटे का बैकअप मिले। इंटरफेस वाइज कुछ भी नया नहीं दिखेगा क्योंकि मोटोला हमेशा ही स्टॉक एंड्रॉयड देता है, एंड्रॉयड 9.5 पर आधारित है मोटोला वन जूम का सॉफ्टवेयर, एंड उसमें आपको मोटोला के सिग्नेचर फीचर्स जरूर मिलेंगे, मोटो एक्शंस, आपको चॉप चॉप फ्लैश याद होगा या ट्विस्ट टू टर्न ऑन दी कैमराज, सो ये सारे फीचर्स आपको इस फ़ोन में मिलेंगे। मोटोला वन जूम का जो प्राइस है अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो दैट कन्वर्ट्स टू अराउंड 32,000। अब 32,000 के हिसाब से ये फ़ोन थोड़ा सा महंगा जरूर लग रहा है, बिकॉज आपको इस फ़ोन में अफोर्डेबल फ्लैगशिप्स भी मिलते हैं, जबकि मोटोला वन जूम एक मिड रेंजर है, तो अगर ये इंडिया में आता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा और एग्रेसिवली प्राइस होगा, क्योंकि मोटोला वन एक्शन हैज़ बीन प्राइस रियली वेल इन इंडिया, सो लेट्स सी।
if and when the Motorola One Zoom comes to the Indian market. But as of now, it seems to be a device worth looking out for. Cameras ki baat karein, chahe aap design ki baat karein, har ek tarike se. And design mein ek aur khas baat jo mujhe lagi, isme aapko satin finish milega, jo ki hume Nokia 7.2 mein bhi dekhne ko mila tha. And ye kafi acha hai because aapko isme fingerprints aur smudges nahi dikhenge. And jab aap isko hold karte hain, wo bhi kafi acche se acha lagta hai. Otherwise design kafi simple hai. So is video mein itna hi. IFA 2019 se related aur bhi videos ke liye jude rahiye hamare YouTube channel se. Tab tak ke liye main Nitansh aapse alvida kehta hu. Thanks for watching.